हो गया। चले गाइस, टुडे इज अवर जीएसटी लेक्चर नंबर 7। एंड गाइस, इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन 7 सप्लाई। सो आज क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को आज लेट अस नाउ फिनिश इट ऑफ। सेक्शन 7, सेक्शन 8, यस सेक्शन 8 भी है सप्लाई में, और शेड्यूल 1, 2, 3। सो इफेक्टिवली सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है, और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 7 वी हैव स्टार्टेड। 7-1 सेज व्हाट इज सप्लाई, 7-2 सेज व्हाट इज नॉट सप्लाई, 7-1A गिव्स एग्जांपल्स ऑफ सप्लाई, एंड 7-3 सेज गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन लाकर ये बताने की पावर है कि ये एसओजी होगा या एसओएस नहीं होगा, एसओएस होगा एसओजी नहीं होगा। तो सप्लाई में आने के लिए कौन सा सब सेक्शन हमें पूरा करना पड़ेगा सप्लाई में आने के लिए? 7-1। अगर 7-1 में नहीं आए तो सप्लाई माना, 7-1 में नहीं आए तो सप्लाई माना नहीं जाएगा। जब दिल्ली टूट गया तो जी कर क्या करेंगे, और जब सप्लाई नहीं बना तो जीएसटी लगा के क्या करेंगे? अगर 7-2 में आ गया तो, 7-2 में आ गया तो नो सप्लाई। अच्छा, 7-2 में तो नहीं आया लेकिन 7-1 में भी नहीं आया, नो सप्लाई, बहुत बढ़िया। और 7-1, 7-2 दोनों में आ गया, नो सप्लाई। और 7-1A और 7-3 ये सप्लाई डिफाइन नहीं करते, ये खाली एग्जांपल्स हैं। यहाँ तो लिस्ट बना रखी है, 7-1A में तो लिस्ट है, यहाँ पर नोटिफाई करके बताएंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी सामान खरीद कर रख रखा है, ये गुड है, ये सर्विस है, ये गुड है, ये सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड है, सप्लाई सर्विस है, लेकिन 7-3 में नोटिफाई करेंगे, आगे की तैयारी कर ली है। 7-1 के अंदर हमने पहला आइटम कर लिया, 7-1 के अंदर पहला आइटम कर लिया 7-1A, जिसमें 5 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। बताएंगे कोई 5 इंग्रेडिएंट्स? पहला गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा कंसिडरेशन, तीसरा पर्सन, और वो 8 एक्टिविटीज, और लास्ट एक और बिजनेस। हाँ, बिजनेस, और 8 एक्टिविटीज में शेयर एक्सचेंज ट्रांसफर वगैरह वगैरह। चलिए गाइस, अब कर रहे हैं 7-1AA। आइए गाइस, 7-1 के अंदर कितने क्लॉजेस हैं, 7-1 में कितने क्लॉजेस हैं, मतलब जिसमें कितने रास्ते हैं जहां पर आकर आपको सप्लाई माना जा सकता है? चार। जहां चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहां चार यार, तो चार आपको रास्ते हैं जिसमें चलकर मंजिल मिल जाएगी सप्लाई की। तो पहली तो है 7-1A। आइए जी, दूसरी मंजिल 7-1AA। 7-1AA कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय नॉन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और वाइस वर्सा प्लस कंसिडरेशन, वाइस वर्सा और प्लस कंसिडरेशन। गाइस, ये लाइन डाली गई है सप्लाई गुड सर्विसेज बाय नॉन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स। बेसिकली 7-1A क्लब्स और एसोसिएशंस अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रही है, या मेंबर अपने क्लब या एसोसिएशन को सप्लाई कर रहा है। किसी क्लब या एसोसिएशन के मेंबर हैं आप लोग?
Are you people, your parents are member of any club or association? No, sir. फालतू क्लब के तो मेंबर हो तुम लोग, मुझे पता है फालतू क्लब वो तुम लोग जब खाली बैठे गप्पे हांक रहे होते हो फालतू की बातें फालतू क्लब के मेंबर हो तुम लोग? Yes, sir. है ना, वो तो लड़कियां ज्यादा मेंबर होती हैं इसकी, तुझे पता है सीता आज गीता ना वहां गई थी, देखी उसकी चाल तो देख, बात करने का तरीका तो देख, या वो गॉसिप क्लब जो वो सासुए पार्क के अंदर बैठ के करती हैं अपनी बहुओं के गॉसिप, सुना आप लोगों ने? मेरी वाली ना ये कह रही थी आज दिखाऊंगी मैं भी सास हूँ। आपके घर में भी थोड़ा सा ऐसे ग्लिम्सेस तो मिलते ही होंगे आप लोगों को भी? नहीं सर। अभी अच्छा अभी अभी सास वास बनी थी ना आपकी मम्मी, जब बनेंगी जब पता चलेगा है। चलिए, सो गाइस पॉइंट ये है, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, लाइक ट्रेड यूनियंस कह लीजिए, ट्रेड यूनियंस इसका एग्जांपल हो गया, RWS रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशंस, ये सब क्या होता है, मेंबर के और इनके बीच की बात होती है, ये कोई पब्लिक को सर्विसेज नहीं देते, तो अगर RWA है उसके जो मेंबर्स हैं उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनको गुड्स दे रहे हैं, उससे सामान भी खरीद के ला सकते हैं। ऐसे कोई आपने सोसाइटी है, हाँ कोई सोसाइटी है, तो ये सब जो एसोसिएशंस होती है ना गाइज, ये मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनती है, ये मेंबर्स को गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हैं। तो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी आ रही थी रिसेंटली, ये माना जा रहा था कि भाई क्लब जब अपने मेंबर को दे रहा है तो ये सप्लाई नहीं होगी। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए देता हूँ। दोस्तों मेरी दुकान है मोबाइल बेचने की, मैंने मोबाइल अपने आप को बेच दिया, तो मैंने क्या किया, 10,000 का मोबाइल था, मैंने अपने आप को बेच दिया और 10,000 रुपये मैंने अपने जेब से निकाल के गल्ले में डाल दिए और लिख दिया सोल्ड टू सचिन गुप्ता। मुद्दा ये है क्या इस पे GST लगेगा? इस पे GST लगेगा? देखो वही वाली बात आ जाती है, वैसे तो GST में लिखा है बाय पर्सन, उसमें ये लिखा टू सेम पर्सन या टू डिफरेंट पर्सन, टू की तो बात ही नहीं करी, बेचना है और आपने बिल काट के अपने आप को बेच दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात बिल मान लीजिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी रिटर्न खुद फाइल कराया, अपनी रिटर्न खुद फाइल कराया, तो क्या ये सर्विस मानी जाएगी मैंने जो अपने आप को दी है? क्वेश्चन ये। यस सर। नहीं देखो इसमें ना दो बातें निकल के आती है, कंसीडरेशन चार्ज कर रहा हूँ, अपनी रिटर्न मैं खुद फाइल कराया या अपने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही सर्विसेज दे रहा हूँ या अपने आप को गुड्स दे रहा हूँ, तो इस पे राय ये निकल के आती है कि अ पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू हिमसेल्फ। सीधी सी बात है, जैसे नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाता, तो पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड सर्विसेज और गुड्स टू हिमसेल्फ। अपने आप को बेच रहे हो सचिन गुप्ता टू सचिन गुप्ता, एक हद तक GST तो लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी और केसेस के अंदर, जैसे उसको ड्रॉइंग्स अगर बेचा नहीं है, निकाल के ले लिया, मतलब जैसे स्टॉक पड़ा था ले गया घर में मैं, तो उस केस में मैंने पैसा तो दिया नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ही आती है क्लब्स और एसोसिएशंस भी कहने लग गए कि हमें भी ना बेनिफिट दो, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी हमें भी बेनिफिट दो, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी ये कहता है वन कैन नॉट, इस प्रिंसिपल के हिसाब से वन कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ, अपने आप से आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो बिजनेस के लिए रिक्वायर एटलीस्ट टू persons. वन कैन नॉट प्रोवाइड बिजनेस, कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ। मैं ये खरीदता हूँ, मैं अपने आप को बेच लेता हूँ, खरीदता भी अपने आप से हूँ मैं, बेचता भी अपने आप को हूँ। तो मोटा मोटा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए
कि वन कैन नॉट डू बिजनेस विद हिमसेल्फ। जैसे मैंने एक अकाउंट से पैसा निकाला और अपने आप को ही मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपने आप को ही मैंने फीस दे दी, तो मैं अपने आप को फीस कैसे दे रहा हूँ? एक अकाउंट मेरा डेबिट करने का, एक अकाउंट मेरा क्रेडिट करने का। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हैं नहीं पकड़ पा रहे, पहले ये बता। Yes, sir. आप तो पकड़ पा रहे हैं, बाकी बच्चे बताएं जरा एक बार। Yes, sir. चलो ठीक है, कबूल है? Yes, sir. और बाकी क्लासरूम में बैठे जो बच्चे हैं, थोड़ा सा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? थोड़ा मैं लोग आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है अभी थोड़ा मेरा। हाँ जी, सब कुछ ठीक है, चंगा मंगा? yes, है कि अपने आप से बिजनेस नहीं होता। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना एसोसिएशंस वाले भी लगाने लग गए। वो कहते हैं जी अपने मेंबर को तो दे रहे हैं, एक ही बात है। जैसे घर के अंदर आप अपने पापा के लिए कुछ काम करो, या पापा आपके लिए कुछ काम करें, या मदर आपके लिए कुछ काम करें, तो वो कोई आपस में डीलिंग नहीं होती। उसके लिए कोई हम ये नहीं कहते कि मम्मी तुमने खाना बनाया ये लो 100 रुपए रख लो, 500 रुपए रख लो। जैसे कुक को अगर हम एक दिन के लिए हायर करें तो 500-1000 रुपए लेता है, तो मम्मी को आप 500-1000 रुपए पकड़ा दिए कि मम्मी ये लो आपने खाना बनाया। वो अपने आपस में डील नहीं होती। तो इसी तरीके से क्लब्स और एसोसिएशन GST लगाने से ना बच रहे थे। वो कह रहे थे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्लब और मेंबर प्रिंसिपल म्यूचुअलिटी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल म्यूचुअलिटी वर्ड आया म्यूचुअल से, म्यूचुअल अपने आप। लेकिन गवर्नमेंट ने 7-1 में अमेंडमेंट करके साफ लिख दिया, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो, क्लब एसोसिएशंस अपने मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंसिडरेशन है सप्लाई मानी जाएगी। बात करते चाहे बिजनेस हो ना हो, हमें मतलब ही नहीं, यहाँ पर बिजनेस वर्ड नहीं लिखा। तो अगर क्लब या एसोसिएशन बनाया गया है, संस्था बनाई गई है, मेंबर से मेंबर को सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज की, या उल्टा भी है, मेंबर सप्लाई करे गुड्स या सर्विसेज, GST लगेगा अगर कंसिडरेशन है। यहाँ पर वर्ड बिजनेस नहीं मेंशन किया, क्योंकि ये एक तरीके से डीम सप्लाई मान लिया गया, डीम सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है हर चीज का लॉजिक ढूंढे, लॉजिक की प्रयास मैं करूंगा समझाने के लिए, और आपको लॉजिक समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं आए तो डबल बढ़िया, क्योंकि आपको ये चीजें याद रखनी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है GST में फॉर अ क्लब एसोसिएशन, क्या बोलोगे, यस और नो? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, या इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता? बताओ बच्चों। नहीं किया जाता, बिल्कुल सही। तो लिख लीजिए, तो अब इसी तो लिख लिया, तो यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर एसोसिएशंस क्लब्स व्हेन सप्लाई मेड टू मेंबर्स, अलग अलग माना जाएगा उनको, और वाइस वर्सा, और बेटा वाइस वर्सा। तो क्लब्स और एसोसिएशन अगर कंसीडरेशन के लिए सप्लाई करते हैं तो विल दे अप्लाई GST, से यस और नो? यस सर। हाँ, अगर क्लब एसोसिएशंस मेंबर्स को सप्लाई करते हैं गुड सर्विसेज कंसीडरेशन के, तो GST लगाएंगे? यस सर। और उल्टा अगर मेंबर सप्लाई करता है क्लब्स को तो? यस सर। बिल्कुल सर। ये लिखना क्यों पड़ा? वैसे इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्लैरिटी थी पहले भी। लिखना इसलिए पड़ा कि लोग कहते हैं कि लिखा कहाँ है। जैसे आपके पेरेंट्स रात के ना 3 बजे निकल गए, आप लोग कभी निकले हो ऐसे बिना बताए रात के 3 बजे? नहीं सर। अच्छा, लड़कियां तो फिर भी मुझे पता शरीफ होती हैं, लड़के तुम बताओ, नमन और बाकी लड़के तुम बताओ? नो सर। निकल जाए करो यार, कोई तो ढूंढ लो गाइस। यस सर। बताओ ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब जाना चाहिए। सर क्या कह रहे हो आप, हमें क्या सिखा रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? अरे यार एग्जांपल बना रहा हूँ, तुम समझो मेरी बात।
तो रात के 3 बजे निकल गए तुम बिना बताए, पेरेंट्स को पता लग गया। सुबह पेरेंट्स ने पूछा, बेटा रात को नमन कहाँ गया हुआ था 3 बजे? बोल ही नहीं पाया। फिर इसकी पिटाई हुई वहां पर, 4 दिन तक तो कमरे में बंद रखा इसको। तो फिर बोला, पापा आपने मना कब किया था, कैसे जा नहीं सकते? तो क्या हर चीज बतानी होती है? कुछ पीछे से लॉजिकल भी होती है कि नहीं पापा बताओ मुझे, रूल्स बताओ ऐसे। तो मुझे क्या बताओ, अब मैं 4 बजे निकल जाऊं सुबह, अब वो लोग ये भी अलाउड नहीं है, मैं रात के 10 बजे जाऊं वो भी अलाउड नहीं है। तो ऐसे बाबा लिख तो दो कितने बजे से कितने बजे अलाउड नहीं है। तो रूल बन गया 11 से 5 अलाउड नहीं है, उसके बाद आप जा सकते। तो ऐसे ही ना चीज लिखी हुई तो नहीं थी क्लब मेंबर के बीच में, ट्रांजेक्शन को सप्लाई मानेंगे तो लिख दिया, क्योंकि लोग जब लिखा हुआ नहीं होता उसका मिसयूज करते। तो जैसे नमन ने मिसयूज किया, पेरेंट्स ने मना तो नहीं किया हुआ था ना लिखा हुआ था, तो पेरेंट्स भी चुप हो गए इसकी बात पे, पापा ने मना कब किया। तो कुछ चीजें इम्प्लाइड होती हैं लेकिन लोग मिसयूज करते हैं, क्या लिखा तो नहीं ना। इसलिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करके, अभी आई लास्ट ईयर अमेंडमेंट, लिखना पड़ा। वैसे ये क्लैरिटी थी हमें, करना नहीं है, लेकिन कोई लोग जबरदस्ती करें, वही वाली बात। पता था नमन को जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसने टेक्निकल बात पे अपनी बात को ऊपर रख लिया, इसलिए पेरेंट्स को रूल्स बनाने पड़ गए और उन्होंने लिख। चलिए नेक्स्ट। तो क्लब अपने एसोसिएशंस मेंबर्स को सप्लाई करे कंसिडर, अच्छा बिना कंसिडरेशन सप्लाई किया तो फिर सप्लाई नहीं होगा। अच्छा बिजनेस का पार्ट नहीं है वो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर वर्ड लिखा ही नहीं बिजनेस। आ जाइए नेक्स्ट है बेटा, 7-1B सेक्शन 7-1B। 7-1B में क्या लिखा है? मैंने कितने आपको रास्ते बता दिए, जल्दी बताइए। 2। अब मैं तीसरा रास्ता बता रहा हूँ आपको। ये चारों रास्ते इकट्ठे पूरे होने चाहिए या चारों में से एक? चारों में से एक। चारों में से। आ जाइए बच्चों, इम्पोर्ट प्लस सर्विसेस प्लस कंसिडरेशन प्लस, मेरे बच्चों, बिजनेस और नॉट। चार बातें लिखिए बेटा, इम्पोर्ट सर्विसेस कंसिडरेशन बिजनेस और नॉट। देखो जी, सर्विसेस का मीनिंग 2 clause 102, बिजनेस का 2-17, कंसिडरेशन का मीनिंग 2-31, और इंपोर्ट का मतलब क्या? सेक्शन 2 में इंपोर्ट डिफाइंड है, चेक करो सेक्शन 2 के अंदर क्या इंपोर्ट शब्द डिफाइंड है, चेक करो बच्चों। सेक्शन 2 के अंदर CGST एक्ट में चैप्टर नंबर 2 है, इंपोर्ट वर्ड डिफाइंड है, चेक करो बेटा, इज द वर्ड इंपोर्ट डिफाइंड? नो ना। तो इंपोर्ट का फिर हमें जनरल मीनिंग लेना पड़ेगा, और इंपोर्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है? ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया, या कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया, है ना? तो लिखो भैया, इंपोर्ट का जनरल मीनिंग होता है कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड मेरे बच्चे। हाँ जी, तो इंपोर्ट का जनरल मीनिंग होता है बेटा ब्रिंगिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब यहां पर जा चारों को जोड़ लो जरा, क्या कह रहे हैं? बाहर से गुड्स आ रहे हैं या सर्विसेज आ रही हैं? हाँ, अच्छा इंपोर्ट का मतलब ये भी कह सकते हैं बेटा, सुनो, लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। इसको ये भी कह सकते हैं इंपोर्ट को, या तो इसको ये कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं। LOS का मतलब बेटा लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर,
कहीं पे निगाहें, कहीं पे निगा निशाना। लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बाहर से इंडिया के अंदर सर्विसेज आ रही है, गुड्स की बात नहीं लिखी इन्होंने। इन्होंने गुड्स की बात क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जीएसटी तो दोनों पे लगता है। तो ये कह रहे हैं बाहर से सर्विसेज आ रही हैं, उसको भी सप्लाई माना गया है, लेकिन बाहर से गुड्स आ रहे हैं तो सर्विसेज कहाँ लिखा है? लोकेशन ऑफ सप्लाई है ना? नहीं नहीं, ये वर्ड देखो ना, सर्विसेज वर्ड यहाँ है ना? यस सर। तो इंपोर्ट जो हो रहा है वो सर्विसेज का हो रहा है इंडिया के, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में नहीं लिखा। चलो जी मैं समझाता हूँ, जो आपको एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको बेटर करके समझाता हूँ। चलिए ये लिख लिया ना, नीचे लिखो एनालिसिस, बच्चों नीचे लिखो एनालिसिस। गुड्स आप इंपोर्ट करो इंडिया में, जैसे मोटर कार, हाँ जी फिरारी, पोर्श, कुछ भी मोटर कार। ये मोटर कार बिजनेस यूज के लिए इंपोर्ट करिए, क्या कस्टम ड्यूटी लगती है? जरा ऐसी नॉलेज से अपने दीजिए, क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। सारे बच्चे बोलो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो मोटर कार जैसे बिजनेस यूज के लिए कर रहे हो, तो क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, पर्सनल पर्पस मतलब अपने घर के लिए गाड़ी है, तो क्या कस्टम ड्यूटी लगती है? यस सर। हाँ कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल। तो अगर बाहर से कोई मोटर कार, टीवी, एसी एक्सेट्रा इंपोर्ट करते हो तो कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, चाहे वो बिजनेस यूज के लिए हो, आपके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हो, ठीक है? और कस्टम ड्यूटीज पे कौन सा एक्ट लगता है बेटा? कस्टम ड्यूटीज पे कौन सा एक्ट लगता है बेटा? जीएसटी एक्ट या कस्टम ड्यूटी एक्ट या कस्टम्स एक्ट? कस्टम ड्यूटीज पे, कस्टम ड्यूटीज पे कस्टम्स एक्ट लगता है। ये कस्टम्स एक्ट 1962 लागू हो, और कौन लगाती है कस्टम ड्यूटी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटी लगा, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। हाँ जी बच्चों, एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो कस्टम ड्यूटीज बच्चों, कस्टम ड्यूटी लगती है इस पर भी, इस पे भी कस्टम्स एक्ट लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एंट्री नंबर 83 ऑफ द यूनियन लिस्ट। अब मुद्दा ये आता है, अभी तक सर्विसेज पे तो सर्विस टैक्स लगता था, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तो गवर्नमेंट ने सर्विसेज के इंपोर्ट पे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी गुड्स को देख लेता है, कस्टम ड्यूटी गुड्स को देख लेता है, वो सारे गुड्स को पकड़ लेगा, लेकिन जो बाहर से सर्विसेज आ रही हैं उसको सप्लाई माना जाएगा नहीं जाएगा जीएसटी में, तो स्पेसिफिकली अलग रास्ता बना दिया। तो जितना भी कस्टम ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है दैट इज कवर्ड, जितना भी गुड्स का कॉन्सेप्ट है वो कस्टम्स एक्ट में कवर्ड है, लेकिन बेटा जो सर्विसेज हैं, हाँ जी सुनो, जो सर्विसेज हैं इसके बारे में तो क्या राय है? अब पहले रास्ते में तो लिखा है सप्लाई होनी चाहिए, अब इंपोर्ट वाली सप्लाई लेनी लेनी, तो जो इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए उनको भी सप्लाई माना जाएगा, ये इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स के बारे में तो ऑलरेडी कस्टम ड्यूटीज लग जाती है, और जो भी जीएसटी लगना है ना इंपोर्ट पे भी गुड्स वालों का, वो भी कस्टम्स एक्ट में ही लगता है, तो ऑलरेडी गुड्स के लिए टैक्सेस हैं, लेकिन सर्विसेज के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए पहले सर्विस टैक्स था,
अब जब सर्विस एक्ट जीएसटी में हट गया तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, लेकिन 7(1)A में इंपोर्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं था, 7(1)AA में भी कुछ लिखा नहीं था, तो अलग से रास्ता इसलिए बनाया कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि बाहर से इंपोर्ट हुए हैं सर्विसेज तो ये बोले मैं तो जीएसटी नहीं दूंगा इस केस में, कि 7(1)A में लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंपोर्ट के बारे में तो लिखा नहीं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को भी सप्लाई माना जाएगा, इसलिए ये स्पेसिफिक वर्ड यहाँ डाला गया। तो गुड्स वर्ड क्यों नहीं डाला मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, क्योंकि उस पे सेंट्रल एक्साइज ऑलरेडी लगता है, सेंट्रल एक्साइज नहीं कस्टम ड्यूटीज, हाँ वही सेंट्रल गवर्नमेंट लगा, हाँ इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ आ गई, बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट हो रही है कंसिडरेशन है, बिजनेस और नॉट क्या लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया बिजनेस यूज हो या पर्सनल यूज हो कस्टम ड्यूटीज लगती है, तो ऐसे जीएसटी में भी कह दिया बाहर से सर्विसेज आप अपने बिजनेस के लिए लें, बाहर से सर्विसेज आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए लें, इसको सप्लाई माना जाएगा, तो यानी कि बिजनेस और नॉट का मतलब है बिजनेस के लिए लें और या पर्सनल पर्पस के लिए, तो बाहर से आर्किटेक्ट, हाँ बाहर से आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर बुलाया गया है और वो आपकी ऑफिस को फैक्ट्री को गोडाउन को डिजाइन करेगा, बताओ जी क्या सप्लाई मानी जाएगी इस ट्रांजेक्शन को, बाहर से आर्किटेक्ट इंटीरियर डेकोरेटर बुलाया गया है और वो आपके ऑफिस को बिल्डिंग को डिजाइन करेगा, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? बहुत बढ़िया, यस सर, बहुत बढ़िया। और बेटा अगर अगर तुमने अपनी घर की बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए बुलाया है तो बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, यस। अच्छा जैसे शादी हो रही है आप लोगों की, तो शादी के लिए बाहर से कोई ब्यूटिशियन आई है ना, और वो ब्यूटिशियन हेयर स्टाइल बनाएगी मेकअप करेगी गर्ल्स का बॉयज का जो भी है, तो उस केस में क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? यस सर, बिल्कुल सही। और अगर कोई फैशन डिजाइनर उसकी फैशन शो है उसके मॉडल्स के लिए बुलाया गया है तो इसलिए लिख दिया गया सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा फैशन डिजाइनर आई बाहर से इंटीरियर वो आई क्या कहते हैं ब्यूटिशियन आई कुछ भी आई लेकिन उसने कंसिडरेशन नहीं ली फ्री में काम कर रही है तो नहीं होगा, क्यों क्यों कंसिडरेशन? हाँ तो आपने नोटिस किया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है, तीनों डेफिनेशन 7(1)A हो 7(1)AA हो 7(1)B हो, एक गाना भी ना कौन सा अंग लगा दे रे कुछ भी गाना था, तो वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट भाग है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिडरेशन। बिजनेस वर्ड 7(1)AA में भी नहीं था और 7(1)B में भी नहीं है बिजनेस और पर्सनल, चलिए लेकिन एक बात पर्सनल पे स्टार लगाइएगा, पर्सनल पे स्टार लगाइएगा और लिखिएगा सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज सप्लाई if consideration is there, क्या ये लाइन सही है, क्या ये लाइन सही है बच्चों देखना जरा, yes sir, yeah. सारे बच्चों बोले yes sir। अच्छा इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा पहले ये बता देने, which जीएसटी will apply on this, yes CGST, IG, UTGST, कौन सा GST? IGST. IGST Act जब हम पढ़ते हैं ना guys, IGST Act में लिखा है कि भाई import of services for personal use
आर एग्जेम्प्ट. अच्छा, आईजीएसटी में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आईजीएसटी से एग्जेम्प्ट है. यानी कि गाइस सप्लाई तो माना जाएगा लेकिन टैक्सेबल सर्विसेज या टैक्सेबल नहीं माना जाएगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज पर्सनल यूज के लिए, सप्लाई तो है लेकिन जीएसटी नहीं लागू होगा. और जीएसटी इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस और पर्सनल यूज आर एग्जेम्प्ट. तो बाहर से अगर ब्यूटीशियन, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर घर के लिए बुलाए, क्वेश्चन पूछे क्या सप्लाई है, है, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है क्योंकि एग्जेम्प्ट कर रखा है. तो दोनों बातें आपको याद रखनी है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आंसर दीजिएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस कंसिडरेशन बिजनेस यूज, क्या सप्लाई है और क्या जीएसटी लगेगा, बताइए दोस्तों. यस सर. सप्लाई है, सारे बच्चे बोले इज इट अ सप्लाई. कौन से रास्ते से, 71B. और क्या जीएसटी लगेगा, क्या आईजीएसटी लगेगा. यस. हाँ, अगर सारी कंडीशन और पूरी हो जाए, एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा. दूसरी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस प्लस नो कंसिडरेशन बिजनेस यूज, बताओ बच्चों. नो सप्लाई. सप्लाई नहीं है, जीएसटी तो लगेगा ना. सप्लाई नहीं है तो क्या हो गया. अरे सर क्या बावले वाली बातें कर रहे हो, जब सप्लाई नहीं है तो जीएसटी कैसे लग जाएगा. सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन प्लस पर्सनल यूज, बताओ बच्चों. सप्लाई है या नहीं. सप्लाई तो है, सप्लाई तो है. वो पाइप तो है, पानी नहीं है. पाइप तो है, पानी नहीं है. मोबाइल तो है, चार्ज उसके अंदर कूपन नहीं है, कॉलिंग की वैल्यू नहीं है. जैसे तुम लोग इंसान तो हो, बुद्धि नहीं है. है सही कह रहा हूं. चलो. और डी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नो कंसिडरेशन पर्सनल यूज, बताओ दोस्तों. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नो कंसिडरेशन पर्सनल यूज. हाँ भाई, अब ये सप्लाई भी नहीं है. बिल्कुल सही, अब ये आपकी सप्लाई भी नहीं है. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा जवाब तुम लोग, बहुत ही बढ़िया जवाब. अब ये सप्लाई भी नहीं है. चलो जी, 71B भी पूरा. आ जाओ जी 71C, लास्ट रास्ता, और आप बन गए एक्सपर्ट. 71C, 71C जो है ना, ये चौथा रास्ता है सप्लाई में आने का, और इसका नाम है डीम्ड सप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड, मतलब मान लेना है कि ये सप्लाई है पर ये होता नहीं है. जैसे मैं मान लेता तुम इंटेलिजेंट हो लेकिन होते नहीं हो. नहीं सर, हम असलियत में भी इंटेलिजेंट हैं. अच्छा, कैसे पता. बस पता है, जादू से पता है. अच्छा, तो गाइस, तो डीम सप्लाई जो होता है, इट इज एज्यूम्ड एज सप्लाई. और एज्यूम वहां करना पड़ता है जहां सप्लाई होती नहीं है. गवर्नमेंट ने मान लिया. जैसे उधर भगवान को मानते हो, क्या तुम लोग भगवान को मानते हो. डू यू पीपल बिलीव इन गॉड, आंसर दो मुझे. डू यू पीपल बिलीव इन गॉड.
तो बिलीव इन गॉड का मतलब क्या है? नहीं, हम मानते हैं, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं क्या तुम ये मानते हो, सीधा हाथ है, क्या ये तुम मानते हो मेरी मुंडी है, क्या तुम ये मानते हो ये वाटर बॉटल है, क्या तुम ये मानते हो ये मोबाइल फोन है, आ गया। तो जो है तो है, उसको मानना क्या होता है? क्या है तुम मानते हो मैं मुंह से बोल रहा हूं? सर मुंह से नहीं बोलोगे तो कहां से बोलोगे? तो मानते हो इस बात को? क्या मानते नहीं है, ये तो होता ही है। तो मानना वहां पड़ता है बच्चों जहां पर रियलिटी ना हो। तो इसलिए यहां पर चार केसेस बनाए गए हैं, जो सप्लाई है नहीं लेकिन गवर्नमेंट मान लेगी, बात ही खत्म। तो यहां पर लॉजिक लगाओगे या रट्टा करोगे? हाँ, यहां पर रट्टाफिकेशन है, लेकिन फिर भी मैं लॉजिक बताऊंगा। यहां पर रट्टाफिकेशन है, फिर भी मैं लॉजिक बताऊंगा, आइए जरा। और बेस्ट पार्ट ये है, जो 71C है गाइस, 71C जो वाली जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें शेड्यूल वन आ जाता है, इसमें शेड्यूल वन आ जाता है। शेड्यूल वन में मेंशन है ऐसे कौन से केसेस है, प्लस विदाउट कंसिडरेशन। ये पहला ऐसा केस है जहां बिना कंसिडरेशन के भी हमने सप्लाई मान लिया, क्योंकि जब तो मानना पड़ रहा है। 71A में कंसिडरेशन था, 71AA में कंसिडरेशन था, 71B में कंसिडरेशन था, लेकिन बेटा 71D के अंदर, 71C के अंदर कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए मान रहे हैं। कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई हो सकती है, यस, लेकिन सर एग्जांपल कहाँ है? एग्जांपल है बेटा कौन से शेड्यूल में, जल्दी बोलो। शेड्यूल वन। तो शेड्यूल वन में चार एग्जांपल्स हैं, जो है नहीं मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही भगवान को मानना इसलिए पड़ता है, दिखाई नहीं देते, कुछ होता नहीं है, तो मान लेते हैं कि भाई है, सोचा शांति रहे, नहीं तो डर लगेगा भगवान को। हमें ये मान लें भगवान ही नहीं है तो वह डर लगेगा ना जिंदगी में जीने से ही, पता नहीं कल क्या हो जाए। तो भगवान को मानने से एक फेथ आता है कि वो देख रहा है, तो शांति रहती है कि भाई बैक सॉलिड है हमारी, भगवान है हमारे साथ। लेकिन एक्चुअली में सभी किसी को नहीं पता क्या है क्या नहीं है। चलो जी, शेड्यूल वन के चार केसेस आ जाओ, फोर केसेस ऑफ शेड्यूल वन। पहले मैं ये चारों केसेस लिखवा रहा हूं और उसके बाद गाइस समझाऊंगा, ठीक है? लिख लेना जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊं। सबसे पहला बेटा, परमानेंट ट्रांसफर प्लस बिजनेस एसेट प्लस ITC क्लेम्ड। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस और नॉट। Excludes gift up to 50,000 by, दिखाई दे रहा है बच्चों? Yes sir. सारे बच्चों ऑनलाइन वाले भी, वो जो बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, आर यू पीपल एबल टू सी? Yes sir. Yes sir. Very good. Supply of goods principal to agent और वाइस वर्सा, इंपोर्ट प्लस सर्विसेज प्लस रिलेटेड पर्सन अदर establishment outside India
प्लस फॉर बिजनेस देखना बेटा क्लियरली देखो परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट आईटीसी क्लेम्ड सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस और नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट वाइस वर्सा इंपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड पर्सन अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस कॉपी हो जाए तो बताइएगा मुझे आई एम जस्ट कमिंग इन टू मिनट्स टू हैव वॉटर इतने कॉपी कर लीजिए हाँ जी बच्चों कॉपी हो गया तो मुझे प्लीज बताइएगा Has everybody copied? Yes, sir. चलिए ये चारों केसेस में आपको मोटा मोटा बता दूं सरकार को जबरन आशंका थी अगर ये चार केसेस को सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी में टैक्स इवेजन हो जाएगा और कहीं ना कहीं जैसे दीवार में छेद हो पानी आ जाता है अगर वो छेद को ना भरा जाए तो पानी आता रहेगा अभी बारिशें हुई हैं आपने देखा भी होगा आपके कहीं ना कहीं कहीं छत से कहीं दीवार से पानी आना शुरू हो गया तो अगर वो छेद या सीमेंट लगा के दरार भरी नहीं जाएगी तो आगे जाके प्रॉब्लम पड़ जाएगी तो ये चार केसेस में गवर्नमेंट ने इनको सप्लाई मान लिया चाहे ये सप्लाई नहीं भी थी क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सप्लाई नहीं मानते तो लोग मिस यूज कर लेते प्रोविजन तो ये चारों के एक एक एग्जाम्पल से मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा इन चारों केस में कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं पहले ये बता दीजिए नहीं कंसीडरेशन नहीं है यहाँ पर लेकिन मानना पड़ेगा आइए जरा अब एनालिसिस कर ले नीचे लिखो बेटा एनालिसिस नीचे लिखो मेरे बच्चे एनालिसिस तो एनालिसिस में फर्स्ट केस को ले रहा हूं मैं और इसको समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपके आप लोग पानी पीते हैं यस सर बहुत बढ़िया कहां से पानी पीते हैं मतलब आपका सोर्स ऑफ वाटर कहां पर है घर में आरओ से निकाल के गिलास में आरओ से आरओ क्या होता है भाई प्यूरिट प्योरिट तो कंपनी का नाम है ना ब्रांड है व्हाट इज आरओ जिसमें टोटी लगा आता है उसके अंदर से पानी निकल आरओ एक सिस्टम है वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम रिवर्स ऑस्मोसिस हाँ ये मैं पूछ रहा था द रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ ट्रीटमेंट वेयर पानी की जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती बहुत बढ़िया अब आप सुनिए जरा अब क्या हुआ है रामलाल जी को अपने घर में आरओ सिस्टम लगाना है अपने घर में आरओ सिस्टम लगाना कितने का आरओ आ रहा है 10,000 का आ रहा है आरओ जीएसटी है 1800 रुपए का आरओ पड़ रहा है तो 11,800 का आरओ आ रहा है मार्केट में अब रामलाल जी इसको पर्सनल पर्पस के लिए लेना चाहते हैं क्वेश्चन ये उठता है क्या बिजनेस में इसका 1800 का आईटीसी मिल जाएगा क्वेश्चन ये रामलाल जी अपने व्यक्तिगत पर्पस के लिए आरओ खरीदना चाहते हैं क्या इसका क्रेडिट मिल जाएगा क्वेश्चन ये 1800 को आईटीसी मिल जाएगा
सोच समझ के आंसर दीजिएगा. विल 1800 बी अलाउड एज आईटीसी? आंसर दीजिए बेटा. विल 1800 बी अलाउड एज आईटीसी अगर आप कोई गुड्स को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं? हाँ, आपको गुड्स अपने बिजनेस के लिए खरीदने हैं तो आईटीसी मिलेगा. भाई जैसे आप अपने घर में एसी, टीवी, फ्रिज लगाते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं तो इन सब का आईटीसी कैसे मिल जाएगा? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे जहां पर हमने सीजीएसटी या क्रेडिट आईजीएसटी क्रेडिट लिया, वहां पर हम गुड्स को खरीद रहे थे, बेच रहे थे, तो बिजनेस का काम था, जब भी क्रेडिट मिलता है. आप व्यक्तिगत पर्पस के चीजें खरीदते हो, क्रेडिट नहीं मिलता. तो अगर आप मंत्रा से, आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से गुड्स मंगवाते हो, आपके पिज्जा हट से खाना मंगवाते हो, डोमिनोज से पिज्जा मंगवाते हो, तो जो भी जीएसटी आपका दिया हुआ होता है आपको क्रेडिट नहीं मिलता. एक रीजन यही है, मेन रीजन, बाकी और भी रीजन है, एक रीजन मेनली तो यही है क्योंकि वो आप अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लेते हो, क्रेडिट नहीं मिलता. बोलो ओके, क्लियर यहाँ तक? यस सर. क्लासरूम वाले बच्चे बताएं. यस सर. चलो, अब क्या हुआ, ये रामलाल की जो बुद्धि है ना, चाचा चौधरी से भी तेज चलती है, चाचा चौधरी से भी तेज चलती है. इसने क्या किया, इसका बिजनेस का नाम है रामलाल एंटरप्राइजेस. इसने अपने पर्सनल नाम से आरओ नहीं खरीदा, इसने रामलाल एंटरप्राइजेस के नाम से आरओ खरीदा, रामलाल एंटरप्राइजेस के नाम से आरओ परचेज किया बिजनेस के नाम से. तो क्या अब इस 1800 का आईटीसी मिल जाएगा? क्वेश्चन ये. हाँ, ये नहीं कि आपका, अच्छा सुन लो, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उसको बेचना जब भी क्रेडिट मिलेगा. बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के पानी अच्छे साफ मिलेगा, अपने क्लाइंट आएंगे उनको साफ मिलेगा, ओनर को साफ पानी पीने को मिलेगा, तो ऑफिस में एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप ये सब लगा रखे, सबका क्रेडिट है. ये मत सोचना क्रेडिट का मतलब होता है वही जो बेचने का काम है. भाई उनको इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के लिए. तो एक सीए का ऑफिस है, एक 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 कंपनी सेक्रेटरी का ऑफिस है, एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ऑफिस है. लाखों चीजें आप खरीदोगे अपने ऑफिस के लिए, सबका क्रेडिट मिलता है. हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका क्रेडिट गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, वो बात अलग है, लेकिन क्रेडिट मिलता है. तो इसके पीछे इसने अकल क्या करी, तो इसने अपनी कंपनी के नाम से, अपने बिजनेस के नाम से खरीद लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, यानी कि आईटीसी अकाउंट में डाल दिया. और उसके बाद क्या किया, आरओ को ट्रांसफर कर दिया ओनर्स के रेजिडेंस पे. क्या जी, हमने ओनर के घर में लगवाया है, बीमार पड़ता रहता था, ये तो हींग लगी ना फिटकी रंग चौखा. आपको पर्सनल नाम से खरीदते आईटीसी मिलता नहीं था, तो आपने जानबूझ के एसेट को बिजनेस के नाम से ले लिया. सुनिए, बिजनेस के नाम से ले लिया, क्रेडिट खा गए, और उसके बाद आपने आरओ घर में लगवा दिया. बात की बात, लात की लात. जैसे मैंने कहा नमन को, नमन आया मेरे पास, सर डिस्काउंट है आपकी क्लासेस में. नमन, आपको याद है आप पूछने आए थे? यस सर. है ना, तो मैंने कहा महिलाओं के लिए डिस्काउंट, खाली महिलाओं के लिए. तो नमन ने पता क्या किया, बुर्खा पहन के आ गया कल, सर डिस्काउंट दे दीजिए. मैंने कहा आप कौन है मोहतरमा? क्या मैम, मोहतरमा अनारकली डिस्को चली बस. और जैसे डिस्काउंट लिया, बुरखा उतार दिया, क्या चलो सर प्राइस स्टार्ट करवाओ. मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ यार, यानी कि तूने खाना पूर्ति करने के लिए महिला का लिबास धारण कर लिया और उसके बाद तो अपने रय रूप में आ गया, तो क्या इसका डिस्काउंट छीन लेना चाहिए, नहीं छीन लेना चाहिए, ये बताइए मुझे. यस सर, छीन लेना चाहिए. है ना. तो इसी तरीके से गाइस, अगर आपने बिजनेस की एसेट है, आईटीसी ले लिया है, ट्रांसफर कर दिया है, ये जो ट्रांसफर कर रहे हो बेटा, ये डीम सप्लाई है. ओ, और आपने कंसीडरेशन लिया होगा ओनर से जब ट्रांसफर किया होगा,
नहीं सर नहीं नहीं वो तो हमने घर में लगा दिया नो कंसिडरेशन तो ये डीम सप्लाई है यानी कि इसके आदान प्रदान पे जीएसटी लगेगा तो अल्टीमेटली लगेगा तो जो आपको जमा करवाना पड़ेगा तो मैंने क्या कहा आप जरा लाइन पढ़िए पढ़िए परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट आईटीसी क्लेम्ड अगर आप परमानेंटली एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं ऐसी बिजनेस की एसेट जिसपे आप आईटीसी ले चुके हैं इसका मतलब ये हो गया कि आपको उसको बिजनेस का इस्तेमाल नहीं करनी थी ट्रांसफर क्यों करी अगर महिला रहता तो हर रोज ही महिला की तरह आऊ ना हम समझ गए ये महिला नहीं है पुरुष है हम समझ गए कि ये ट्रांसफर कर रहा है बिजनेस से तो जब बिजनेस के लिए खरीद रहा है तो बिजनेस में रख वहां से ट्रांसफर क्यों कर रहा है अगर ट्रांसफर कर रहा हम समझ जाएंगे कि ये तुझे खरीदना नहीं था बिजनेस के लिए बिजनेस में खरीद के आईटीसी ढकार कर और फिर अपने तू घर में भेज दिया तुझे हम ये मानेंगे घर के लिए ही था तो ये जो ट्रांसफर किया गया है ये डीम सप्लाई है इस पे जीएसटी लगा देंगे कितने पे लगा देंगे वो उसकी मूल्यांकन करेंगे कि भाई ट्रांसफर किया गया इसकी वैल्यू क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई उस पे जीएसटी लगा देंगे जो भी है आपको जमा करवाना पड़ेगा बोलो जी बात समझ आ गई yes, yes, सभी लोग जिनको आईटीसी लेना है उनसे निवेदन है कि आप उसको बिजनेस के इस्तेमाल करें और एसेट को ट्रांसफर ना करें अगर एसेट को ट्रांसफर किया तो जो आईटीसी लिया हुआ था वो आपको पे करना पड़ जाएगा क्यों क्योंकि हमने जो ट्रांसफर आप करोगे परमानेंट ट्रांसफर करोगे उसमें कंसिडरेशन तो मिला नहीं है सेल तो करी नहीं है सप्लाई है नहीं मान लेंगे क्योंकि चले गई ना आपसे हमने मान लिया ट्रांसफर हो गया तो दिस ट्रांसफर इज विदाउट कंसिडरेशन बट दिस इज डीम्ड एज सप्लाई बोलो जी ओके रिपोर्ट है तो आगे बढ़े yes, sir. चलो दूसरा बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन बिजनेस और नॉट आइए जरा सेकंड एग्जांपल देखें बच्चों लेट्स सी द सेकंड केस बच्चों रामलाल जी की शॉप है और इनकी शॉप पे इनके ब्रदर आ गए जो परचेजर बन के आए हैं कितने का सामान लिया 2 लाख रुपए का सामान इनको बेचा गया है 2 लाख रुपए का सप्लाई करी गई है गुड्स की और पता क्या किया नंबर दो में पेमेंट का मतलब बोले तो हाँ नंबर दो का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट को नहीं बताया नंबर दो का कैश में ले लिया और बताया नहीं अगर कैश में ले लिया गवर्नमेंट को बता दें तो नंबर दो नहीं नंबर एक ही होता है तो नंबर दो में पेमेंट ले ली और गवर्नमेंट को क्या कह रहे हैं अरे मुफ्त में दिया अपने भाई को मुफ्त में दिया है अपने भाई को मुफ्त में दिया है भाई को मुफ्त में दिया है भाई को तो गवर्नमेंट ने कहा अगर इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं लगेगा तो सब लोग पता क्या करेंगे अपने जेन्युइन सेल्स को अरे भाई को दिया बहन को दिया पैसे नंबर दो में रखते रहेंगे और बोलेंगे जीएसटी नहीं लगता पहले वैट में नहीं था कि अगर रिलेटिव को फ्री में कोई चीज दी जाए तो वैट नहीं लगता था तो गवर्नमेंट देखती थी साले की सेल है 5 लाख की भाई बहन रिश्तेदारों को 1.5 लाख और 4 लाख की सेल 2-2.5 लाख की रिश्तेदारों को 10-10 लाख का माल 15-15 लाख का माल बेच रखा है बिना पैसे के गवर्नमेंट कहती है तुम एक कंगी ना दो किसी को फ्री में कंगी एक कॉम्ब 50 रुपए का यहाँ पर 2-2 लाख की सप्लाई फ्री में भाई को तुम्हारी बीबी को ना दो तो गवर्नमेंट ने कहा हम समझ गए भाई को दिया है बिना कंसिडरेशन क्यों ऑफिशियली तो आपने नो कंसिडरेशन दिखाया है ना ये नंबर दो की पेमेंट है तो ऑफिशियली तो नो कंसिडरेशन है इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं इस केस में गवर्नमेंट ने मान लिया कि सप्लाई होगी अब बंदा अब नमन है हर रोज घूमने निकल जाता है कि आ रहा हूँ एक घंटे में आ रहा हूँ कोई क्लासेस चल नहीं रही इस टाइम पे तो हम क्या मानेंगे कहाँ जाता है हम ये मान लेंगे कि भाई ये किसी लड़की से मिलने जाता है इसी तरीके से
जब अपने अपने रिलेटेड पर्सन, ये ब्रदर रिलेटेड पर्सन हो गया ना बेटा, रिलेटेड पर्सन, ये रिलेटेड पर्सन है। एक सेकेंड बेटा, ये रिलेटेड पर्सन है, तो रिलेटेड पर्सन को मुफ्त में, हाँ जी ऑफिशियली तो नो कंसिडरेशन है, लिखो ऑफिशियली नो कंसिडरेशन, ऑफिशियली तो नो कंसिडरेशन है। और अगर हम इस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगाते ना, तो हमने ये नोटिस किया गवर्नमेंट ने, सब लोग अपनी 100 में से 90% सेल्स रिश्तेदारों को दिखा देते, पैसा ले लेते, लेकिन बोलते न, है ही नहीं पैसा, तो आए ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा रिश्तेदारों को फ्री में बेचना भी जुल्म है, रिश्तेदारों को फ्री में बेचना जुल्म है, जीएसटी में लगेगा जीएसटी। अरे सर कंसिडरेशन तो है नहीं, क्या हमें मान लिया बात ही खत्म हो गई? बोलो लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। सारे बच्चे बोले प्लीज एक बार। yes. तो क्योंकि yes, गवर्नमेंट ना, मैंने आपको बोला ना, दीवार में छोटा सा भी छेद छोड़ना नहीं चाहती जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी में क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। लोग क्या करेंगे, नंबर दो में बेचना स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे भाई को दिया बिना पैसे। गवर्नमेंट का तेरा भाई है ना, हमारे लिए तो कस्टमर है, मुफ्त में कोई नहीं देता, फैक्ट भी है। 50-50 लाख की सेल मुफ्त में, तुम क्या, तुमने धर्मशाला खोल रखी है, चैरिटी खोल रखी है? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम इसको डीम सप्लाई मान लेंगे। तो ये जो ब्रदर को सप्लाई करी है क्या बन गई, जल्दी बोलो, डीम सप्लाई। तो क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी रामलाल को जमा करवाना पड़ेगा? यस सर। और ये बताओ क्या ये जाती है या जेन्युइनली सही काम किया है गवर्नमेंट ने? सही काम किया। लेकिन वो कह रहा है कंसिडरेशन तो मिला नहीं, वो तो ये कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कंसिडरेशन तो है नहीं। तो फिर उसकी बात को बताओ कैसे कच्ची करोगे? कच्ची ऐसे करेंगे भाई, नंबर दो में ले लिया होगा तूने पेमेंट, हमें क्या पता, मुफ्त में कौन देता है, हम तो ये लॉजिक से चल रहे। तो यहाँ पर एक वर्ड है रिलेटेड पर्सन। अब सुनो मेरी बात, दूसरी बात, रामलाल जी की दिल्ली में ब्रांच है, रामलाल जी की यूपी में भी ब्रांच है, और रामलाल जी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स यूपी ब्रांच को विदाउट कंसिडरेशन। होता क्या है, यूपी में माल खत्म हो गया होगा, फोन आ गया दिल्ली ब्रांच को कि भाई माल भेजो, यूपी में क्लाइंट आया हुआ है। क्वेश्चन ये होता है क्या इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी है? सोच के बताना अपनी अकल से। एक ब्रांच, पर्सन सेम है, दोनों एंटिटी दोनों सेम है, रामलाल की ब्रांच है, वो भी रामलाल की ब्रांच है, बाप एक ही है, दो बच्चे होते हैं, सोच के बताना क्या ये सप्लाई है? लॉजिकली सोच के बताओ, इज इट अ सप्लाई? नो, क्योंकि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को अलग अलग तो है नहीं है। अब अगर ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी ना, लोग क्या करेंगे बताओ? अगर ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी लोग क्या करेंगे? ब्रांच खोल खोल के सप्लाई करेंगे। हाँ, दूसरे शहर में माल बिक रहा है, दिल्ली केजरीवाल को क्या पता यूपी में किसको दिया, अरे यूपी ब्रांच को भेजा है माल, केजरीवाल को चूना लगा देंगे, बोलेंगे जी यूपी ब्रांच को दिया है, और यूपी ब्रांच है कहां से आया, दिल्ली से आया, उनको दिल्ली के बारे में नहीं पता। तो गवर्नमेंट ने कहा ब्रांच को दिया है सप्लाई है, कि कंसीडरेशन तो है नहीं, गवर्नमेंट का मान लिया। तो भिखारी सा बच्चा है कोई, भिखारी है कोई, उसका बच्चा आया कि सर मैं पैसे तो दे नहीं सकता, मेरे को पता नहीं है जेन्युइन भिखारी है नहीं, आजकल सारे लोग ऐसे बन के फिर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने मान लिया तुम पैसे वाले हो, बात ही खत्म। क्योंकि ऐसे केसेस हुए, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, जेन्युइन होता तो बात ही खत्म हो जाती, हर दूसरे दिन बन के आ रहे हैं अलग अलग कपड़े पहन। वो अरे याद है वो कौन सी मूवी थी जहां पर बच्चे के एडमिशन करवाने के लिए वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा होता है, वो जाके हिंदी मीडियम वो यही काम करते हैं लोग, बनाया गया तो जेन्युइन लोगों के लिए, लेकिन वो जानबूझ के बन गए कोटे के लिए। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, मर्सिडीज में छोड़ने आ रहा है, मैं ड्राइवर हूं जी
बच्चा तो मेरा है। तो कहने का मतलब ये वो केसेस इसलिए बनाए गए कि गवर्नमेंट को कोई लूपहोल छोड़ना नहीं था। तो ये जो सप्लाई है बेटे, ये भी क्या बन गई, जल्दी बोलो, डीम सप्लाई। डीम सप्लाई। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, जो ब्रांच वन ब्रांच टू को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा। ब्रांच वन और ब्रांच टू को डिस्टिंक्ट पर्सन, तो लॉ में क्या लिख दिया, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अभी नहीं करवा रहा, ये लिख लेना एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में, इसकी डेफिनेशन है किसकी बेटा, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन कहां पर है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 डिफाइंड है बेटा रिलेटेड पर्सन। अभी मान लो रिश्तेदार, और डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा सेक्शन 25 में डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट पर्सन, वैसे मोटा मोटा मैंने बता दिया, रिश्तेदार मतलब रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब, जल्दी बोलो डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब तो सेम रहते हैं, नहीं सेम पर्सन की डिफरेंट ब्रांचेस। सेम पर्सन की हिंदी में लिख लिया करो, ये जो शब्द बोलता हूं मैं, सेम पर्सन की डिफरेंट ब्रांचेस। अब जरा पढ़ लो, सेकेंड आइटम पढ़ो बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, लेकिन बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस के लिए हो नॉन बिजनेस के लिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बिजनेस और नॉट वर्ड है क्या, एक सेकेंड मेरे बच्चे, बिजनेस और नॉट, बिजनेस के लिए हो या नॉन बिजनेस के लिए हो, ये चीज चेक करनी पड़ेगी, एक सेकेंड, आई नीड टू गो टू दी लॉ, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पर ये वर्ड बिजनेस और नॉट दिया हुआ है या नहीं, मैं बुक खोल के एक बार चेक कर लेता हूँ, बस छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, तो आई डोंट वांट यू टू बी इनटू एनी कंफ्यूजन। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सप्लाई का मीनिंग आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि अगर सप्लाई नहीं किया ना उसके बाद आपको लगेगा क्या होता है सप्लाई, ये तो बताया नहीं सर ने, तो इसलिए मैंने पहले सप्लाई बता दूं फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें। हाँ, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वही मैंने कहा, बिजनेस और नॉट की तो बात ही नहीं लिखी यहाँ पर, जो ही मुझे डाउट लगा, तो यहाँ पर लिखना बेटा, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन बच्चा पार्टी, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन अक्रॉस, यहाँ पर बेटा बिजनेस लिखना, बिजनेस के लिए, तो जब आपने शॉप पे बैठे हो ना आप, तो वो बिजनेस के गुड्स हैं, पर्सनली किसी को दे दो अपने। अच्छा सुनो, सुन रहे हो? यस सर। अगर मेरी वाइफ आई और मैं उसको फ्री में कुछ गुड्स दे देता हूँ, मेरा कोई बेचने का काम नहीं है, मैंने माल खरीदा और फ्री में उसको लिपस्टिक खरीदी, लिपस्टिक दे दी, गिफ्ट कर दी अपनी वाइफ को लिपस्टिक, बताओ क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? नहीं सर। क्यों क्यों क्यों? अभी तो क्या रिलेटेड पर्सन के बीच में प्राइस ना हो सप्लाई मानी जाती है। यस सर, पर गिफ्ट 50,000 तक का ही। नहीं 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 नहीं, बिजनेस के लिए नहीं है ना बेटा ये वर्ड, इसलिए इम्पोर्टेंट है, समझो मेरी बात। तो एग्जाम में आ जाए कि आपने वाइफ को आपने लिपस्टिक गिफ्ट करी है, आपने वाइफ को घड़ी गिफ्ट करी है, अगर आपका घड़ी बेचने का काम है, सुन लो मेरी बात, घड़ी गिफ्ट करोगे वाइफ को जीएसटी लगेगा, लेकिन घड़ी बेचने का काम नहीं है, गिफ्ट करोगे वाइफ को जीएसटी नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, इसी पे ही पास और फेल की चक्कर हो जाएगा। तो गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं, बोलो क्लियर बात? यस सर। अच्छा सुनो, सारे बच्चे सुनो, बहुत कान खोल के, कान तो खुले हुए हैं सर, दिमाग खोल लो। रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी आते हैं, रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आते हैं, मालिक नौकर भी आते हैं। अच्छा तो अगर एम्प्लॉयर गिफ्ट करेगा एम्प्लॉय को तो क्या सप्लाई मानी जाएगी? यस, लेकिन 50,000 तक की गिफ्ट को सप्लाई नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्योंकि रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आते हैं, रिश्तेदार का मतलब खून के रिश्ते भी आते हैं, और ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और ऐसे पार्टनर्स ये सब भी आते हैं, मोटा मोटा समझ लो। तो गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर को कर रहे हैं नो कंसिडरेशन है,
बिजनेस का बात है, कोई पर्सनल गिफ्ट तो दे नहीं रहा, लेकिन वो जीएसटी ना लगे इसलिए 50 की छूट दे रखी। तो प्रैक्टिकली होता है यार, दिवाली पे, होली पे, नए साल पे एम्प्लॉयर गिफ्ट देता है। तो सेकंड केस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा आंसर दीजिएगा मुझे, क्या ये सेकंड केस में आएंगे नहीं आएंगे? देखना जरा बेटा, सेल ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर टू रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी या नहीं? अंडर सेक्शन, कोई भी सेक्शन में सप्लाई मानी जाएगी नहीं जाएगी? यस सर। देखो सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय शॉपकीपर टू रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन। बताओ बच्चों, सारे बच्चे बताएं, क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? Will it be treated as a supply? Say yes or no? Yes, sir. और कौन से रास्ते से सप्लाई माना जाएगा ये भी बता दो। 7-1-C और 7-1-C ने शेड्यूल 1 है ना, 7-1-C प्लस शेड्यूल 1। चलो ए, बी एज्यूम इन अबव केस विद कंसिडरेशन। ओ माई गॉड, अब बोलो, रिलेटेड पर्सन को पैसे के लिए बेचा है, yes, sir. अब सप्लाई 7-1-A में ही आ जाएगा, 7-1-A में ही आ जाएगा, अब तो कंसिडरेशन है, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो भगवान आ ही गए, अब क्या मानना? अब तो भगवान आ ही गए, अब क्या मानना? जो है इस पागल, उसको क्यों पागल मानूंगा? पागल है, गवर्नमेंट कह रही इसको मान लो पागल, ये तो पागल है ही, ये तो सप्लाई है ही, इसको मानना क्या है? तो ये 7-1-A में आ जाएगी। सी, सेल ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच टू अनदर विदाउट कंसिडरेशन। बताओ दोस्तों, क्या ये सप्लाई है या नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया, कौन से रास्ते से सप्लाई बनेगी? 7-1-C। बहुत बढ़िया बेटा, 7-1-C प्लस शेड्यूल 1। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब देखना, गिफ्ट बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर है। देखो, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अगर गिफ्ट होती है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, और छूट दिया हुआ है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर को तो छूट ही नहीं दी। लेकिन आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि अगर नहीं, इस केस में आगे की बात छोड़ो, मेरे हिसाब से इसको सप्लाई मान लेना चाहिए 7-1-C के अंदर, क्योंकि जो छूट दी गई है। लेकिन एक बात और है, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन यार एम्प्लॉई जो गिफ्ट दे रहा है, क्या उसका ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? समझो मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ था, वर्ड जो दिया हुआ था, केयरफुली देखना जरा, केयरफुली है, लेकिन बिजनेस के एक पार्ट है क्या? एम्प्लॉय बिजनेस कर रहा है कोई? एम्प्लॉय तो नौकरी कर रहा है, तो एम्प्लॉय तो बिजनेस कर ही नहीं रहा। हाँ, एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा तो एम्प्लॉयर का तो बिजनेस है, तो ये सप्लाई मानी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अब जरा देखना बेटा, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, और कितने की है बेटा? देखना, 45,000 की गिफ्ट है। बताइए दोस्तों, नो सर, गिफ्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज उसकी प्राइस जो है 45,000 नहीं। अच्छा, उसकी प्राइस 70,000 है,
यस सर कितना कितना नहीं पूरा पूरा 70,000 ये याद रखना पूरा 70 तो इस 70 पे जीएसटी देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को लिख लो भाई अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये डीम सप्लाई का दूसरा केस डिस्टिंक्ट पर्सन डिफरेंट ब्रांचेस मेरे बच्चे रिलेटेड पर्सन रिश्तेदार कंसिडरेशन नहीं है गुड्स और सर्विसेज गए हैं बिजनेस के लिए गए आ जाइए और अगर ये टीम सप्लाई नहीं मानते तो लोग क्या करते कैसे मिसयूज करते इस प्रोविजन को बस आ जाइए तीसरा बेटा प्रिंसिपल टू एजेंट एंड वाइस वर्सा आइए बेटा तीसरी बात प्रिंसिपल टू एजेंट एंड वाइस वर्सा थर्ड केस जरा देखिए दोस्तों रामलाल प्रिंसिपल है और इसका जो एजेंट है वो है मिस्टर पप्पू रामलाल गुड्स देता है सर्विसेज वर्ड है यहां पर गुड्स वर्ड है खाली जरा देखना यहां पर प्रिंसिपल टू एजेंट में गुड्स वर्ड है सर्विसेज वर्ड है हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है गुड्स वर्ड है यहां पर खाली यहां पर देखो वर्ड गुड्स सर्विसेज दोनों है यहां पर सर्विसेज है खाली और ये बिजनेस एसेट है तो गुड्स ही हो गया अच्छा तो एक एक वर्ड को बेटा पढ़ना पड़ेगा मैंने कहा ना ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है इसको थोड़ा सह लेना अगर आपको थोड़ा वो लग रहा है लेकिन आगे जाके प्रैक्टिकल आ जाएंगे लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं आ जाओ बेटा तो अब आइए रामलाल गुड्स दे रहा है एजेंट को और एजेंट से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा अभी नो कंसिडरेशन अभी तो नहीं आया और एजेंट आगे जाके सेल करेगा इसको थर्ड पर्सन क्वेश्चन ये उठता है क्या ये जो गुड्स का सप्लाई हुआ है बिना कंसिडरेशन पे एजेंट को क्या ये सप्लाई माना जाएगा क्वेश्चन ये क्या इस पे जीएसटी रामलाल को देना पड़ेगा कंसिडरेशन आया नहीं है एजेंट 71A नहीं लगना 71AA नहीं लगना 71B नहीं लगना तीनों में कंसिडरेशन चाहिए 71B नहीं हाँ 71B भी नहीं लगना तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी 71C में विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर 71C यस सर बिकॉज पढ़ लो जरा लॉ में लिखा है क्या लिखा है सर देखो भैया of goods principal to agent or vice versa ab ulti baat to chhod do to goods by principal to agent bina consideration kyunki in charon mein consideration nahi hoti to is case mein beta principal ne agent ko goods diye hain to yahan par it is deemed supply aisa kyun kiya gaya बताइए दोस्तों ऐसा क्यों किया गया क्योंकि अगर इसको सप्लाई नहीं मानते तो लोग क्या करते लोग बोलते कस्टमर को नहीं दिए एजेंट है जी मेरा पैसे नहीं आए पैसे नंबर दो में ले लेते कस्टमरों से और उनको एजेंट बना देते बच के निकल जाते मैंने कहा ना क्लास में उन बच्चों को अलाउ कर रहा हूं जिनके पेट में दर्द है जाने के लिए क्लास में उन बच्चों को अलाउ कर रहा हूं जिनके पेट में दर्द है 100 में से 99 के पेट में दर्द हो जाएगा अभी क्योंकि मैंने एक छूट दे रखी है ना पेट में दर्द के लिए जा सकते हो तो जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको क्लास में अटेंड नहीं करनी है चाहे प्रतिभा हो नमन हो खुशी हो राधिका हो तुलसी हो सब लोग क्या बोलेंगे जल्दी बोलो क्लास में बैठना नहीं हो तो कि पेट में दर्द है हाँ तो ऐसे अगर हमने एक रास्ता छोड़ दिया कि बिना कंसिडरेशन के अगर अच्छा कंसिडरेशन होता तो दिक्कत ही थी फिर तो खुद ही फंस जाते तो लोग जान बूझ के दिखाते कंसिडरेशन नहीं है अच्छा देंगे पेमेंट भी किसको गुड़ देंगे एजेंट को हमें पता होता है जब एजेंट को माल दे रहे तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है
लेकिन सप्लाई मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो सारी सप्लाईज एजेंट को दी, अभी तो बिकेगा जब देखेंगे जी एजेंट ने बेचा ही नहीं। बस इस केस में कंडीशन है, सिबेक का सर्कुलर आया, सिबेक का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का सर्कुलर आया, उन्होंने कहा जब ये एजेंट थर्ड पर्सन को सेल करेगा तो ये किसके नाम पे बिल इशू करेगा ये बताइए जरा। व्हेन द एजेंट सेल्स द गुड्स टू द थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो बिल होता है, बिल इनवॉइस किसके नाम से इशू होता है? रामलाल। हाँ, जब बेटा एजेंट माल बेचेगा थर्ड पर्सन को तो रामलाल के नाम से बिल इशू होगा कि मैं तो खाली उसके बिहाफ पे माल बेच रहा हूं, यहां पर साइन करेगा एजेंट, ऊपर लगेगा ऑन बिहाफ ऑफ रामलाल, ऑन बिहाफ ऑफ रामलाल। यहां पर सिबिक ने कहा ये केस डीम सप्लाई जब माना जाएगा अंडर शेड्यूल वन, सुन लो मेरी बात, जब इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट हो, सिबिक के सर्कुलर ने कहा जब इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट हो, इसका क्या मतलब? मैंने नमन को अपॉइंट किया, मैंने कहा नमन जाके माल बेचा, अब नमन ने, सुनो मेरी बात, नमन ने माल अपने नाम से बेचा है और मैंने जब नमन को गुड्स दिए थे कंसिडरेशन नहीं आया था, मेरे पास पता भी नहीं था, मुझे डिसाइड भी नहीं हुआ था, बाद में नमन बेच के मुझे पैसा देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी है, तो गवर्नमेंट ने कहा सचिन सर इसको सप्लाई मान लो, क्योंकि यहां पर नमन अपने नाम से गुड्स बेच रहा है तो नमन ने आपसे गुड्स खरीदे हैं। इससे गवर्नमेंट को ये बात क्लियर हो गई कि जब नमन अपने नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है तो नमन ने आपसे गुड्स खरीदे हैं, तुम उसको एजेंट बना रहे हो, कभी भी एजेंट अपने नाम से बिल इशू नहीं करता, तो अगर एजेंट अपने नाम से बिल इशू कर रहा है तो हम ये समझ जाएंगे कि आपने गुड्स बेचे, लेकिन अगर नमन अपने नाम से इनवॉइस इशू कर नहीं रहा है, प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है तो, रामलाल के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है तो फिर इसको डीम सप्लाई यहां पर माना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो लिख लेना यहां पर एक लाइन, लिख लो इनवॉइस पे स्टार लगा के, एक स्टार लगा के लिखो, इफ इनवॉइस, लिखो बेटा इफ इनवॉइस इशूड बाय, लिखो बेटा इफ इनवॉइस इशूड बाय एजेंट इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, इफ इनवॉइस इशूड बाय द एजेंट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, लिखो बेटा, देन शेड्यूल वन विल नॉट अप्लाई, देन शेड्यूल वन विल नॉट अप्लाई, क्योंकि उस केस में हमें समझ आ गई कि भाई जब राम एजेंट अपने नाम से बिल इशू कर रहा है तो एजेंट एक्चुअल में जेन्युइन एजेंट नहीं है, बायर है, क्योंकि बायर ही अपने नाम से बिल इशू कर सकता है, एजेंट अपने नाम से बिल इशू नहीं कर सकता। चलो अब इसका रिवर्स केस भी हो सकता है, रिवर्स केस में क्या होगा सोच के बताइए आप मुझे, ये तो रामलाल ने एजेंट को दिया, अब क्या है एजेंट ने, सुनो मेरी बात, थर्ड पर्सन से गुड्स खरीदे हैं, ठीक है सर, परचेज करे हैं, और आगे एजेंट सप्लाई कर रहा है गुड्स किसको, रामलाल प्रिंसिपल को, रामलाल, और रामलाल ने एजेंट को कंसिडरेशन दे दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती, लेकिन नो कंसिडरेशन। इस केस में मेरे बच्चों इस सप्लाई को क्या माना जाएगा, डीम सप्लाई बाय द एजेंट, कौन से शेड्यूल के अंदर, जल्दी बताओ, हाँ लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए ये आप बता दो, शर्त क्या होनी चाहिए सीपेक की कंडीशन के हिसाब से, शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए थर्ड पर्सन ने जो इनवॉइस इशू किया होगा इन नेम ऑफ एजेंट, अच्छा तो एजेंट खरीद के लाया है गुड्स अपने नाम से और फिर आपको बेच दिए, तो सप्लाई हो गया,
अच्छा अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से गुड्स खरीद के लेके आया है, जैसे मैं आप लोगों को कहूं, मैं नमन को कहूं, नमन बेटा मेरे लिए जाके वॉशिंग मशीन खरीद ला, तो जब ये विजय सेल्स जाएगा किसी शोरूम में जाएगा, क्रोमा क्रोना स्टोर में जाएगा, तो वहां पे ये जो वॉशिंग मशीन खरीदेगा उसके बिल पे किसका नाम डलवाएगा, अपना या मेरा? आपका। हाँ मेरा, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जब मुझे सप्लाई करेगा उसको डीम सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन ये अपने नाम से खरीद लाया और फिर ये मुझे दे रहा है, तो क्या ये मेरा सेलर हो गया ना एक तरीके से? ये तो मुझे सेल कर रहा है, बिल पे तो उसका नाम आया हुआ है, तो ये तो सेल कर रहा है, तो ये सेल कर रहा है तो जीएसटी लगाएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। यस, मैं भी कंसिडरेशन नहीं दे रहा, मैंने कहा देखेंगे बाद में जब मैं बेचूंगा आगे जब दूंगा। बोलो क्लियर हो गई बात या नहीं? Yes, sir. तो टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेजर टेस्ट टू नो, व्हाट इज द मेजर क्राइटेरिया टू नो कि ये सप्लाई है या नहीं? क्राइटेरिया क्या है मेजर? क्लासरूम वाले बच्चे आप लोग बताओ मेजर क्राइटेरिया। इनवॉइस, चाहे प्रिंसिपल टू एजेंट हो, एजेंट टू प्रिंसिपल हो, थर्ड पर्सन के साथ जो एजेंट की डीलिंग है उसमें इनवॉइस किसके नाम से? अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से है तो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप को डीम सप्लाई में नहीं डाली, लेकिन इनवॉइस अगर एजेंट के नाम से है तो इन दोनों की रिलेशनशिप को डीम सप्लाई में डाल, कॉपी कर लीजिए। सर अगर प्रिंसिपल के नाम पे फिर क्या होगा? प्रिंसिपल के नाम पे तो इन दोनों के बीच में डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में डीम सप्लाई का रिलेशनशिप नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो लास्ट टॉपिक देखें जरा, वो है बेटा 7(1)(d) का फोर्थ केस, जरा देखना पढ़ना जरा। इंपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट सर्विस रिलेटेड पर्सन अदर एस्टेब्लिशमेंट फॉर बिजनेस, पढ़ लो जरा, सर्विसेज रिलेटेड पर्सन अदर एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, पढ़ लिया दोस्तों आप लोगों ने? चलो हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। आ जाओ फोर्थ केस का एनालिसिस कर लिए। उसकी इंडिया में ब्रांच है, हेड ऑफिस है यूएस से, यूएसए से इंटीरियर डेकोरेशन ब्रांच का हो रहा है और ब्रांच कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही है, देती भी नहीं है ब्रांच तो कंसिडरेशन। क्वेश्चन ये उठता है, सर्विसेज इंपोर्ट हुई है इंडिया में, विद कंसिडरेशन इंपोर्ट हुई है विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट हुई है? सारे बच्चे बताएं विद कंसिडरेशन विदाउट? विदाउट। इसमें 7(1)(b) तो नहीं लगेगा क्योंकि 7(1) में इंपोर्ट था, सर्विसेज था, पर्सनल और नॉट था, लेकिन कंसिडरेशन थी। 7(1)(a) भी नहीं लगेगा, 7(1)(AA) भी नहीं लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से सारे मसाला रेडी है 7(1)(c) का। ये जो इंपोर्ट हुआ है ये डीम सप्लाई है बेटा अंडर सेक्शन 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1। क्यों माना गया है इसको जल्दी बता दीजिएगा, क्यों माना गया, क्यों डीम सप्लाई माना गया? कंसिडरेशन तो है नहीं, तो बाहर से हेड ऑफिस आपके दिल्ली के ऑफिस का इंटीरियर्स करवा रहा है, उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे, देते भी नहीं है, ब्रांच क्यों देगा हेड ऑफिस? डीम सप्लाई माना जाएगा इस केस में, जीएसटी लगेगा इस ट्रांजैक्शन, क्यों? क्योंकि सारे इंटरनेशनल सर्विसेज लोग क्या दिखा देंगे, अरे मेरे हेड ऑफिस से आई हैं, देख लो पेमेंट नहीं दे रहे। अच्छा अगर पेमेंट दे रहे होते तो बेटा तो 7(1)(b) में फंस जाता ना पहले। अच्छा तो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं, अरे बाहर, क्योंकि बाहर चेक करने कौन जाएगा, हेड ऑफिस है नहीं है, हिंदुस्तानी सरकार कैसे कैसे चेक करेगी,
चेकोस्लोवाकिया से इम्पोर्ट कर रहे हो, क्या जाके चेक कर लो, हेड ऑफिस है मेरा, तो क्या इनकम क्या सर जीएसटी का अफसर जाएगा चेकोस्लोवाकिया जाएगा चेक करने के लिए? तो तुमने कह दिया हेड ऑफिस है बिना कंसिडरेशन को, हमने मान लिया सप्लाई, ये बात ही खत्म। तो तुम क्या अब टैक्स प्लानिंग कर पाओगे ये दिखा के कि हेड ऑफिस से सर्विसेज आ रही है, कर पाओगे? यस सर। नहीं, टैक्स प्लानिंग कर पाओगे क्या आप, ऐसा दिखा पाओगे हेड ऑफिस सर्विसेज आ रही है बिना कंसिडरेशन के बच जाएंगे, क्या बच पाओगे? नो सर। लॉजिक ये, और लोग क्या बचते थे, सुन लो मेरी बात, अब आपने हेड ऑफिस से नहीं लिया, आपने रिलेटेड पर्सन से लिया आउटसाइड इंडिया। ओ माय गॉड, आपका कोई बाहर भाई बहन है, लोग दूसरा तरीका ये दिखाते हैं, इंटरनेशनल सर्विस है सर, मेरा भाई चेकोस्लोवाकिया में रहता है, वो मुझे हेल्प कर रहा है मेरे इंटीरियर्स के अंदर। अब क्या अब हम चेक करने जाएंगे वो भाई है बहन है रिलेटेड पर्सन? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम खुद ही कह देते हो कि रिलेटेड पर्सन है, हेड ऑफिस है, बाहर से सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में हम डीम्ड कंसिडरेशन मान लेंगे कि नंबर दो में कंसिडरेशन दे भी दिया होगा तुमने, इसलिए हमने उसको डीम्ड सप्लाई की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि तुमने खुद ही बोल दिया ना हेड ऑफिस है, तो हम समझ जाएंगे कि हैंकी पैंकी है। हाँ, अगर हेड ऑफिस नहीं बोला तुमने और रेटेड पर्सन नहीं बोला, बाहर वाला इंडिपेंडेंट पर्सन है और बिना कंसिडरेशन को आपको सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में डीम सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो आपने जैसे ही बोल दिया हेड ऑफिस है, जैसे ही बोल दिया रिलेटेड पर्सन, समझ जाएंगे कि आपका अपना ही बंदा है, इसलिए कंसिडरेशन नहीं है। अनजान आदमी को कौन देता बिना पैसे के, कोई एक रुपए की फालतू की चीज ना दे। और इसी क्वेश्चन में अगर कंसिडरेशन आ जाता तो, जल्दी बोलो कंसिडरेशन आ जाता तो, बहुत बढ़िया, 7(1)(b) में ही आ जाते। अब फोर्थ केस के थोड़े से क्वेश्चंस करवा दूं सो दैट मुझे शांति मिले। आइए जरा फोर्थ केस के क्वेश्चंस, आपका 10 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे, पहले एक बार मैं आपको मेजरली चीजें पढ़ा दूं। पहला चीज आ रही है बेटा, सुन लो, इंपोर्ट हो रहा है नॉन रिलेटेड पर्सन से, नो कंसिडरेशन, और बिजनेस के लिए है, बताइए बेटा सप्लाई है या नहीं? इज इट अ सप्लाई और नॉट? नो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कॉपी करते, इंपोर्ट हो रहा है रिलेटेड पर्सन से, नो कंसिडरेशन है लेकिन पर्सनल है, आपका भाई आपके घर को डिजाइन कर रहा है, आपका भाई बाहर रहता है, बाहर का इंटीरियर डेकोरेटर है, बेटा बताओ जरा पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट हो रही है सर्विसेज? अच्छा, ये सर्विसेज हैं बेटा सारी, बताओ बेटा। नहीं बेटा नहीं, पर्सनल यूज आ गया ना, वो बिजनेस है 7(1)(d) में, 7(1)(c) में ना बच्चे, 7(1)(c) में देख लो, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। काम के लिए तो आपके ब्रदर ने आपको पर्सनल एडवाइस दिया बाहर से, ब्रदर ने पर्सनल एडवाइस दी है, टैक्सेबल नहीं हो। सी, इंपोर्ट है बेटा सर्विसेज का रिलेटेड पर्सन से, कंसिडरेशन है बेटा, और बेटा बिजनेस के लिए है, बताओ बेटा क्या सप्लाई है? Yes, sir. लेकिन कौन से सेक्शन में? बी में, बी में बेटा कंसिडरेशन आ गया ना। अच्छा, तो यहां पर लिखना रिलेटेड पर्सन, फोर्थ इंपोर्ट और सर्विसेज हो रही हैं
रिलेटेड पर्सन से कंसिडरेशन है, पर्सनल है, बताओ बच्चों। सप्लाई तो है 7(1)(b) में, लेकिन आईजीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट। आईजीएसटी एग्जेम्प्ट, आईजीएसटी एग्जेम्प्ट लिखो भैया, आईजीएसटी एग्जेम्प्ट। लास्ट केस, इंपोर्ट ओरिएंटेड सर्विसेज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, नो कंसिडरेशन बिजनेस। बताओ दोस्तों, सप्लाई है कौन सा सेक्शन? हाँ, 7(1)(c). चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब आपको 7(1)(a), 7(1)AA, 7(1)(b), 7(1)(c) समझ आ गया थोड़ा सा। इसको क्लास खत्म होने के बाद जब घर में पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान से एक एक शब्द को याद रख ले, और जिसने थ्योरी को याद रख लिया उसकी निकल पड़ी, और जो एक वर्ड भी भूल गया लिखा क्या है फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब 7(1) सेक्शन तो हो गया। अब मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग काम। हेडिंग डालो सेक्शन 7(1)(a) और 7(1)(a) में लिखा था सब्जेक्ट टू 7(1), यानी कि पहले अगर आप 7(1) में हो फिर 7(1)(a) में आ जाओ। 7(1)(a) क्या बताता है? एग्जांपल्स ऑफ SOG एंड एग्जांपल्स ऑफ, जल्दी बोलो, SOS। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेंगे, पहले मैं बुक पढ़ा देता हूँ फिर यहाँ पर फटाफट पॉइंट्स बनाकर लिख लेंगे। ये लास्ट सेक्शन है जी आज का 7(1)(a). आइए जरा, तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये लिख लो एक बार जरा। अच्छा, अगर आपकी सप्लाई नहीं बनी तो 7(1)(a) चेक करोगे? अगर सप्लाई नहीं बनी तो 7(1)(a) चेक करोगे? नो सर। नहीं भाई, जब दिल ही टूट गया तो जीकर क्या करेंगे, साला सप्लाई नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये जो आपका सप्लाई है ना, इसका 7(1)(a) कर ले फटाफट, फिर मैं इसके नोट्स बना दूंगा और ये आप अपने आप ही इस लिस्ट बना के लिख लेंगे। बेटा ये जो 7(2) है, एक सेकंड बेटा, दोबारा आना पड़ेगा नोट्स में। 7(1)(a) है, 7(1)(a) की जो एग्जांपल्स हैं ये मेंशन्ड कहां पर है? शेड्यूल 2। अच्छा, तो शेड्यूल 2 जो है इसमें एग्जांपल्स हैं SOG के और SOS के। दिस इज SOG, दिस इज SOS, ये 7(1)(a) में है। लिखो बेटा, कॉपी हो जाए तो बता। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा स्क्रीन। क्या हो गया बच्चों, लिख लिया? यस सर। चलो आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ बस। बेटा इसके अंदर ना देखो, शेड्यूल 2 आ गया। शेड्यूल 2 में एग्जांपल्स है, सबसे पहले देखो जी, तो मैंने आपको गुड्स दिए सर। आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड चेक करना जरा, अब अभी चेक करो। यस सर। बच्चों मैंने आपको बॉटल की मालिकाना हक दे दिया, मैंने कहा आज से बॉटल तुम्हारी,
तो मैंने तुम्हें सर्विस दिए, गुड्स दिए, मैंने तुम्हें कंगा दे दिया, कंगा, मैंने कहा कंगा से तुम्हारा, तो मैंने तुम्हें गुड्स दिए, सर्विस दी, गुड्स, तुम्हें कैलकुलेटर दे दिया परमानेंटली, मैंने कहा ये लो कैलकुलेटर तुम्हारा, मैंने तुम्हें गुड्स दिए, सर्विस दी, गुड्स। तो लिख लो भैया नोट्स में भी एक एक करके, यहाँ पर एसओजी में लिख लो, एसओजी दो टेबल बना लो ना, एसओजी वाला टेबल, एसओएस वाला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, लॉजिकल बात है बेटा, लिखना इसलिए पड़ा, पता ही था, एक कॉमन सेंस वाला शेड्यूल टू, पता है तुम्हें गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होती है, लेकिन लिखना इसलिए पड़ता है, बाद में कोई मना कर, हमें रसीद इसलिए देनी पड़ती है, बाद में ना बोलो फीस नहीं दी थी, हमें पता है फीस आ चुकी है तुम्हारी, लेकिन तुम बाद में बोलो हमने तो दी नहीं थी, वो नहीं था, इसलिए मुझे एक बंदे से पैसे लेने थे, मैंने लिखत पढ़त नहीं करी, ज्यादा पैसे नहीं थे, दो चार पांच हजार की बात थी, बाद में मुकर गया, मैं तो दे चुका हूं, अब मैं क्या बोलूं बताओ, गलती तो मेरी थी, मैंने उसे 5,000 ले लिए थे, तो मुझे ऐसे देना चाहिए, तेरे 5,000 आ गए यार, नहीं मिले, कमी रह गई, 10 के थे 5 दे दिए थे, मेरे का 5 बाद में दे दियो, बाद में बोलते मैं तो 10 ही दे दिए थे तुझे, तो गलती क्यों हुई मेरी है ऐसे, मैंने क्या किया, मुझे लिखत पढ़त कर लेनी चाहिए थी, नहीं कर लेनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, हाँ समझो ऐसे ही होता है दोस्तों, इसलिए टाइटल इन गुड्स आ रहा है, तो गुड्स है तो गुड्स तो गुड्स होते ही है, पता ही है, दैट इज द लॉजिक। आइए नेक्स्ट, अब आप ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स दे रहे हो, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, टाइटल नहीं, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, गुड्स जा रही है या गुड्स का राइट जा रहा है, गुड्स का राइट। अब मैंने कहा बेटा मोबाइल है, इस्तेमाल कर ले 4 दिन के लिए, बेटा घड़ी है, पहन ले 4 दिन के लिए, बेटा कंघी है, गंजे बाल बना ले अपने, तो मैंने आपको गुड्स दिए या इस्तेमाल करने का राइट दिया है, यूज करने का राइट दिया, तो ये मैंने आपको सर्विस दी है या मैंने आपको गुड्स दिए, सर्विस, बस ये ऐसे करना है बेटा, तो मैंने आपको सर्विस दी है, मैंने आपको गुड्स नहीं दिए, आई हैव गिवन यू द सर्विस नॉट गुड्स, क्लियर बात, yes. तो यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा एसओएस में, एसओएस में जीएसटी कौन सा लगेगा, सर्विस वाला, एसओएस में सर्विस वाला लगेगा। चलिए आगे बेटा देखना जरा, ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स, ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स, लिखो जी ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन दी गुड्स, इसको भी सर्विस माना गया, इसका क्या मतलब, ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर, इसका क्या मतलब बेटा, कुछ आइडिया है तो बोलो, नहीं तो मैं ही बताऊंगा। अरे बेटा क्या हुआ, हम मैंने और रामलाल ने मिलकर गुड्स खरीदे, मैंने और रामलाल ने मिलकर गुड्स खरीदे, तो हमने ना रेशो फिक्स नहीं किया 60-40, 70-30, तो मैंने अपना अनडिवाइडेड शेयर उसको दे दिया, मैंने गुड्स नहीं दिए, मैंने कहा चल मेरा हिस्सा 13 हो गया, और रेशो फिक्स था नहीं, 60-40 मेरा है, 70-30 मेरा है, बदले मैंने उससे पैसे ले लिए, तो जो मैंने ट्रांसफर किया है गुड्स ट्रांसफर नहीं किए, मैंने उसको सर्विस दी है, बस फर्क ये है, ये बोतल मेरे और रामलाल के मिलकर खरीदी हुई थी, 10,000 की खरीदी थी, सिल्वर की बनी हुई है ये, असली सिल्वर की, एल्युमिनियम की नहीं है जो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें ऐसे दिखता है, सिल्वर की है, तो अब इसमें 60-40 का रेशो है, 70-30 का रेशो है, 20-80 का रेशो पता नहीं था, मैंने अपने पैसे उसको दे दिए, अपने शेयर के मैंने 6,000 के दी थी उसको, 4,000 उसने दिए थे, रेशो फिक्स नहीं किया था, तो जब आप ज्वाइंट ओनरशिप में अपनी हिस्सा दूसरे, उस केस के अंदर हम उसको सर्विस मानते, तुम्हें लग रहा होगा गुड जा रहा है, लेकिन हम यहां पर सर्विस मानते, तो गवर्नमेंट ने कह दिया सर्विस है, सर्विस है, बोलो बात समझ आ रही है मेरी,
तो अपनी जॉइंट ओनरशिप गुड्स के अंदर तुमने अगर दे दी है दूसरे को, तो वो जॉइंट ओनरशिप को हम ये मानते हैं कि सर्विस दी गई है, बात खत्म हो गई, उसको हम गुड्स नहीं मानते, ट्रांसफर ऑफ सर्विस माना जाता है। नेक्स्ट देखना बेटा, पढ़ना जरा बेटा, ये क्या सी है, ये क्या वाला पॉइंट है, सिक्स, ये सी वाला पॉइंट पढ़ के बताओ, ये क्या कह रहे हैं, सी वाला पॉइंट बताओ पढ़ के बेटा, क्या कह रहे हैं, सी वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इसमें बिल्कुल सही बात है, इसमें सीधी सी बात है, टाइटल अभी नहीं जाएगा, टाइटल बाद में जाएगा, तो टाइटल जाएगा ना तो गुड्स ही है। मैंने कहा बेटा ये बॉटल है 10,000 की है, तू 1,000 करते रहे, 10वें महीने जब तू एक लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा 10वें महीने वाली, जब तुझे ओनरशिप जाएगी, तो मैंने आपको सर्विस दी है या मैंने आपको गुड्स दिए, क्वेश्चन ये, हाँ बेसिकली हायर परचेस का कॉन्सेप्ट है, हायर परचेस में जब गुड्स देते हैं तो है तो सर्विस, एक फैसिलिटी दे रहा हूं तुम्हें मैं, लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जा तो ओनरशिप ही रही है ना गुड्स की, तो गुड्स के ओनरशिप के लिए फैसिलिटी दे रहा हूं। अच्छा, तो उस फैसिलिटी को नहीं मान रहे हम, गुड्स ही मान रहे, है तो वो एक सर्विस, हायर परचेस सर्विस, लेकिन अल्टीमेटली गुड्स ही मिल रहे हैं ना, तो हायर परचेज में भी गुड्स बेच रहे हैं, जब प्रॉपर्टी फ्यूचर डेट पे जाएगी, तो साला टाइटल आज जाए या कल जाए, टाइटल आज जाए या कल जाए, तो क्या माना जाएगा, गुड्स, गुड्स, तो लिखना टाइटल इन गुड्स, चाहे वो राइट ना हो या लेटर ऑन हो, लेटर ऑन का एग्जांपल हायर परचेज, ठीक है, बोलो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, yes, sir. चलो नेक्स्ट पढ़ना बेटा, लैंड बिल्डिंग को लेकर ही दोनों पॉइंट पढ़ो, दोनों पॉइंट पढ़ो बेटा, दोनों पॉइंट पढ़ के बताओ क्या लिखा है, हाँ जी बच्चों फटाफट बताओ, खुशी, नमन, प्रतिभा, राधिका, तुलसी, फटाफट बताओ, लेटिंग आउट, लीजिंग, गिविंग ऑन हायर ऑफ लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हो तो उसको सर्विस माना जाता है मोटा मोटा। अच्छा लैंड बिल्डिंग को बेच दिया तो किराए पे नहीं दिया, बेच दिया तो
लैंड बिल्डिंग को बेच दिया तो वो जीएसटी में नहीं आता है। हाँ वो जीएसटी में नहीं आता, तो किराए पे तो आता है क्योंकि इस पे सर्विस मान लेंगे, लेकिन गुड्स तो होता ही नहीं ना लैंड बिल्डिंग, तो किराए पे देना सर्विस हो सकता है, गुड्स तो होते ही नहीं है वो। चलो चलिए, तो आज के लिए यही हम समाप्त करेंगे। मैं अब छोटा सा एक टेस्ट है 10 मिनट का ले रहा हूँ, 5 मिनट में फिर हम उसको आपस में डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको कॉपी भी करके रख लेता हूँ, इसी चार्ट को पूरा करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहूंगा कि एक बार शेड्यूल 2 को पढ़ के आए घर से, शेड्यूल 2 को ना बेटा घर से पढ़ के आना। ये पॉइंट्स बड़े सिंपल हैं, लेकिन मैं चाहूंगा इसको पढ़ के आए। चलिए सो गाइस, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये आप लोगों का टेस्ट पेपर है, इसको 15 मिनट में करना है आप। कर देता हूँ, मुझे आप अपना ना मोबाइल नंबर भेज दो, आप भेज दो ना मेरे फोन पे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं उसी पे आपको ना पीडीएफ भेजूंगा, बच्चों को आप भेज दीजिएगा। अच्छा गाइस, आप लोगों की ना दूसरी क्लास है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, या तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप तैयार करके रखना अभी 10 मिनट में, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों की दूसरी क्लास है, तो मुझे पता नहीं था कि आप लोगों की दूसरी क्लास है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करके अभी कर लेना, जहां जहां भी हो या आपकी दूसरी क्लास के बाद, अगली क्लास में इसके आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर, चलो टेक केयर बच्चों, सी यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर, चलो बच्चों बाय बाय। ले लिया स्क्रीनशॉट ना इसका, या होना है अभी? ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आंसर्स मंडे, टेक केयर।